हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल के टेक्निकल का क्वेश्चन, जो एग्जाम 17 अप्रैल 2016 को शिफ्ट वन में हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन करें। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है, सॉइल साइंटिस्ट कलेक्ट्स अनसैचुरेटेड 200 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ सॉइल हैविंग वेट 220 ग्राम। इफ द ड्राइड वेट ऑफ सॉइल इज 40 ग्राम देन फाइंड द वाटर कंटेंट अवेलेबल इन द सॉइल। तो हमें यहाँ फाइंड करना है वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा गिवन है, टोटल वेट गिवन कितना है 220 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट गिवन है हमारा 220 ग्राम। वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है हमारा 180 ग्राम। वेट ऑफ सॉइल 180 ग्राम। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना है। वाटर कंटेंट को ही मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। वाटर कंटेंट होता है क्या है, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, अपन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है क्या, वेट ऑफ सॉलिड गिवन है, टोटल वेट गिवन है, लेकिन वेट ऑफ वाटर गिवन नहीं है। तो हम वेट ऑफ वाटर फाइंड कर लेते हैं क्या, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड। टोटल वेट में हम अगर माइनस कर देंगे वेट ऑफ सॉलिड से, हमारा वेट ऑफ वाटर फाइंड हो जाएगा। माइनस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो टोटल वेट क्या था, 220 था ना, 220 ग्राम माइनस माइनस 180 ग्राम्स, तो 40 ग्राम्स वेट ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। ठीक है, और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर यानी 40 अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉलिड था हमारा 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम, तो हमारा वाटर कंटेंट आ गया 0.222। ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अ मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक इफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल अनलोडेड डायमेंशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्ट्रेस अपॉन अ स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट, स्ट्रेस अपॉन अ स्ट्रेन इज फोर्स, स्ट्रेस प्लस अ स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट, स्ट्रेन माइनस अ स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का होता है। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली में होता ये है, हुक्स लॉ कहता है क्या था कि द स्ट्रेन ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट डालेंगे और हो जाएगा हमारा ई। तो ठीक है, ई अपॉन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ई को हम क्या कहते हैं, ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, द फोर काइंड्स ऑफ क्रिस्टल इन थिन सेक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स नेम्ड बाई टॉनबॉम आर एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड। ठीक है, तो एंड देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें, होता है क्या है, एलाइट होता है, उसके बाद बेलाइट होता है, उसके बाद सेलाइट होता है, देन होता है फेलाइट। ठीक है, उसके बाद फेलाइट होता है, फेलाइट होता है। ठीक है, एलाइट को हम क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, लाइट को हम कहते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और सिलाइट को हम क्या कहते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है, और फिलाइट को हम कहते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, एल्यूमिनोफेराइट। ठीक है,
यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ट्राई को 3 लिखते हैं, कैल्शियम को सी से डिनोट करते हैं और सिलिकेट को एस से डिनोट करते हैं। इसका नाम लिखते हैं C3S, ठीक है। डाई को 2 से करेंगे, कैल्शियम को सी से और सिलिकेट एस। ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट C3A, टेट्रा कैल्शियम एलुमिनेट C4AF, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बॉगस कंपाउंड कहते हैं, बॉगस कंपाउंड, ठीक है, बॉगस कंपाउंड इसे कहते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेन ऑफ 10 × 10⁻⁴ इन कॉपर, फाइंड द रिजल्ट इन मेगा पास्कल, अज्यूम यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 5 GPa, ठीक है। तो इसे हम फाइंड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेन दिया हुआ हमारा, ठीक है। स्ट्रेन दिया हुआ 10 × 10⁻⁴, ठीक है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है इसके, ठीक है। और हमारा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर 50 GPa, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है मेगा पास्कल में, ठीक है। चलो हम फाइंड करते हैं, हमें फार्मूला में पता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन अ स्ट्रेन, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस क्रॉस करते हैं, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन। चलो यानी सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा होता, 50 GPa, है ना, 50। अब गीगा के बारे में देखते हैं, गीगा क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, 1 GPa इज इक्वल टू 10⁹, 1 MPa इज इक्वल टू 10⁶, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे पुट करो, गीगा के जगह पे हम 10⁹ को पुट करेंगे, ठीक है, इनटू स्ट्रेन दे रखा था क्या, 10 × 10⁻⁴, ठीक है, 10 × 10⁻⁴। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या पता चलता है, 500 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये पास्कल में आ रहा, ठीक है। क्या इसे हम लिख सकते हैं क्या, 50 × 10⁵ पास्कल, ये 10⁶ को अगर हम मेगा लिख दें तो क्या मेगा पास्कल में वैल्यू आ जाएगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस की, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, 50 MPa, ठीक है। तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया टेंसाइल स्ट्रेस का मेगा पास्कल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अपैरेटस इज यूज टू परफॉर्म द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन में क्या था, पहले साउंडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं ली चार्टियर अपैरेटस का, ठीक है, ली चार्टियर अपैरेटस साउंडनेस के लिए, ले चार्ट इज अपैरेटस, ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू आते हैं, ऑप्शन में क्या क्या गिवन था, ठीक है। ऑप्शन में पहले गिवन तो ये था ली चार्ट अपैरेटस, जिसे साउंडनेस मेजर करते हैं सीमेंट का, ठीक है। दूसरा था वीबी टेस्ट, ठीक है, वीबी अपैरेटस, तो हम वीबी टेस्ट करते थे वर्कबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ना, तो वीबी अपैरेटस को यूज़ करेंगे हम वर्कबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा है स्लम्प अपैरेटस, ठीक है, तो स्लम टेस्ट हम करते थे क्या, इसको भी हम वर्कबिलिटी को डिटरमाइन के लिए करते थे। तीसरा था हमारा कंपैक्शन अपैरेटस, तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हम करते थे वर्कबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये तीनों जो अपैरेटस यूज़ होगा हमारा वर्कबिलिटी को डिटरमाइन के लिए यूज़ होगा, लेकिन हम साउंडनेस के लिए क्या यूज़ करते, लिचार्टे अपैरेटस यूज़ करते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट प्लेट टू बी फास्टन आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर एंड रिवेटेड बाय वन और मोर रो ऑफ रिवेट, तो इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, अगर ओवरलैप की बात करें, अगर वन ओवर अदर की बात करें, तो हमें याद रखना है ये लैप जॉइंट होगा, ठीक है, लैप जॉइंट है ना, क्योंकि ये ओवरलैप की बात कर रहा, लैप जॉइंट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस या पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन to that of longitudinal strain which remain constant within elastic limit, is called as
पॉइजन रेशियो। इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज पॉइजन रेशियो, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है। अब इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करें, इसका रेंज क्या होता है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। इसका रेंज होता है 0 to 0.5 तक होगा, ठीक है, 0 to 0.5, ठीक है। हम इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 0 किसके लिए होता है, 0 कॉर्क के लिए होता है, और 0.5 जो होता है वो रबर के लिए होता है, रबर के लिए होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बीम सपोर्टेड ओनली एट वन इन बाय यूजिंग बिल्ट इनटू वॉल, ठीक है, ओवर हैंगिंग, कैंटिलीवर, कर्वेचर या सेंट्रोइड बीम, ठीक है। अगर बात करें कि वन एंड फिक्स है, दूसरे एंड जो है वो फ्री है, तो ऐसे सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे बीम को हम क्या कहते हैं, ऐसे बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। वन एंड फ्री और दूसरे एंड पे सपोर्ट हो यानी फिक्स हो, ठीक है, इसे कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। अगर दोनों एंड हमारा दोनों एंड पे अगर सपोर्ट लगा होता था तो हम इसे कहते थे क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुफ्त मुफ्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एंड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल मास इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन टू द रिलेट दिस टू टर्म, ठीक है। वाटर रेशियो एंड पोरोसिटी, तो हमें पता है वाटर रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड, इसे हम वाटर रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे पोरोसिटी की, तो पोरोसिटी के भी डेफिनेशन हमारा क्वेश्चन में गिवन है, क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इसे हम पोरोसिटी कहते हैं। अभी दोनों में हम रिलेशन, दोनों टर्म में हमें रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। चलो तो हम ये लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स कर सकते हैं क्या, 1/E इज इक्वल टू VS अपॉन VV, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसका इन्वर्स करें तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब दोनों को हम माइनस करें तो क्या होगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब टोटल वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर भी और वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे भी, नोमिनेटर भी डिनोमिनेटर भी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा 1 - 1 - E इज इक्वल टू 1, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके हम इसका रिलेशन ढूंढते हैं, तो 1/N माइनस 1/E, 1/Y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, E - N इज इक्वल टू NE, ठीक है। अब इसको N को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, N को कॉमन लेने के बाद आ जाता है 1 + 1, 1 + E, ठीक है। N को कॉमन लेने के बाद आ जाता है 1 + E इज इक्वल टू E, ठीक है। अब क्रॉस करो तो N इज इक्वल टू आ जाता है हमारा E अपॉन 1 + E, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये पता चल गया, अब दूसरा रिलेशन इसी को क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा क्या, E इज इक्वल टू N अपॉन 1 - N, ठीक है। ये वाटर रेशियो के टर्म में, वो हो गया पोरोसिटी के टर्म में, ये क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया।